नमस्कार, आप सभी का अपना सुल्तान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम है राज ठाकुर। आज हम पहुंच चुके हैं कादीपुर विधानसभा में, जो कि MBCI के पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिवशंकर इंडियन। तो तमाम मुद्दों पे आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जो है इनके सामने कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि अगर देखा जाए तो मेनका संजय गांधी इनके प्रतिद्वंदी भी है, और राम भुवाल निषाद जो कि सपा इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अगर देखा जाए तो दोनों प्रत्याशी जो है काफी दिग्गज हैं, क्योंकि एक जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और जो एक जो है केंद्रीय मंत्री रही। इन दोनों के बीच में आज हम इनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर सुल्तानपुर लोकसभा का चुनाव अपना मुद्दा रखेंगे और जनता के बीच में इनका मुद्दा क्या रहेगा। इन तमाम मुद्दों से आज हम बात करेंगे डॉक्टर शिवशंकर इंडियन जी से। इस बार लोकसभा का जो 2024 का रण, आपको पता ही होगा कि जो घमासान चल रहा है कि लड़ाई कहाँ पे है, क्योंकि कादीपुर से लोकल है आप, लोकल प्रत्याशी हैं, सुल्तानपुर से लोकल प्रत्याशी हैं। तो इन तमाम मुद्दों से आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इनकी पार्टी का नाम लिया जाए तो MBCI नाम है, बहुत मोस्ट बैकवर्ड क्लासिक ऑफ इंडियन, क्लासेज ऑफ इंडियन। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद, आपके चैनल को भी, आपको भी, कि आपने जनता के बीच हमारी आवाज पहुंचाने में जो हमारा सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जो आप इस बार चुनाव 2024 में आप लड़ रहे हैं, इसके पहले आपने कहा 2014 में भी आप चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और 2017 में आप जो है उपचुनाव भी लड़े थे। 2017 में हम लभुआ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा। और 2016 में हम उपचुनाव बीकापुर से लड़े, फैजाबाद से। अच्छा, ये बताइए इस बार जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो काफी जैसे काफी दिग्गज पार्टियां भी इसमें, मोदी की गारंटी है और राम भुवाल निषाद भी है, क्योंकि कास्ट कैडर लोग लेके चल रहे थे, इस बार आप जनता के बीच में क्या अपना विचार रखते हैं? देखिए, सबसे पहले अपना विचार बताने से पहले आपको हम बता दें जी, जो कभी 15 लाख की गारंटी थी वो बाद में जुमला हो गया जी, उसी जुमले का नाम फिर से गारंटी हो गया, कुछ नई चीज है नहीं। अच्छा, बात रही बात 5 किलो राशन के बहाने देश की संविधान पर डाका डाला जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही, तमाम इनके मंत्रियों ने बयान दिया। हमारा जो मिशन है वो संविधान को बचाने और लोकतंत्र के बचाने पर है, क्योंकि हमारे जो देश की जनता है वो 80% किसान है, वो पेट की रोटी कमा सकती है, लेकिन संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, देश में जंगल राज कायम हो जाएगा। ये हमारा प्राथमिकता है और इसी पर हमारा मिशन है। नहीं, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा बयान आया है, इनके मंत्रियों का बयान आया, लल्लू नाम बता दीजिए, लल्लू का बयान आया, लल्लू सिंह फैजाबाद से बयान आया, उनका अनंत हेगड़े का बयान आया, आपने सुना होगा। अच्छा, तो बयान आया कि इसका मतलब अंदर खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं संविधान इनको, इनके अंदर कड़क रहा है, कसक हो रही है इनके अंदर संविधान को लेकर, संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इनके आका है, जो इनके ऊपर बैठे लोग हैं, इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे, हमारा अंदर की नीति ऐसा नहीं, इस पर सफाई क्यों नहीं दे रहे अब तक? अच्छा, सफाई नहीं दे रहे। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस बार जो है राम भुवाल जो है उनको भी टिकट मिला है इंडी गठबंधन से, और जो कि वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जैसे लोग इस बार देख रहे हैं कि हमारा कास्ट है, निषाद हमारे हैं, तो जैसे आप निषाद के भी बीच में आप जाते होंगे, इस बार लोकसभा सुल्तानपुर के बीच में आप मुद्दा क्या रख रहे हैं? देखिए, लोकसभा सुल्तानपुर के जो वास्तव में मुद्दे की बात है, तो मुद्दे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा हमारे अलावा जी, क्योंकि जो बेसिक है शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बात तो ऐसी हो रही है जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी से युद्ध लड़ रहे हैं, और इनको प्रत्याशी सुल्तानपुर में नहीं मिला, कहीं गोरखपुर से उठा लाए। आप बताइए, क्या कोई ऐसा निषाद या कोई और ऐसे समाज के बैकवर्ड के या फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं मिले जिनको सपा से या किसी गठबंधन से टिकट दिया जा सके? बाहर से लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को ला करके, ताकि जो है दबाव करके, दबाव बना करके, कब्जा करके किसी तरीके से सीट को हासिल करने में कामयाब हो, ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ करके लाया गया है। नहीं, बीजेपी जैसे मेनका गांधी भी तो विकास का दावा ठोक रही है, हमने विकास किया है 5 साल में, तो विकास में कैसे आप अपना रखेंगे, जनता के बीच में हम विकास करेंगे, कैसे भरोसा जताएंगे? देखिए, विकास उन्होंने जो किया वो दिखाई पड़ा है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि विकास रोडों से नहीं होता है जी, सड़कें बहुत चौड़ी हो जाएंगी लेकिन पेट में रोटी की जरूरत है जी। हमारे पास जिनके पास साइकिलें हैं उनके पास हाईवे का कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नौनिहाल बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, मास्टर साहब कुर्सी दूसरी तरफ लगाते हैं, बच्चे दूसरी तरफ खेलते हैं, केवल खिचड़ी खा करके बच्चे चले आते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपने कहा रोटी के लिए, अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो रोटी तो सरकार 5 किलो राशन दे रही है, मुफ्त दे रही है, और अगर शिक्षा की बात करें तो मुफ्त शिक्षा भी दे रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास जो है सड़क से हो रहा है कि और किसी से नहीं हो रहा है? 5 किलो राशन की अगर हम बात करें तो 5 किलो राशन से कितने लोगों की परवरिश हो सकती है, क्या हो सकता है उससे? 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन कमाने का साधन चाहिए, रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार सड़कों पर डंडे खा रहे हैं,
हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई है, पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत बिल्कुल चलाई है, लेकिन मिल उन्हीं को रहा जिनके पास कुछ होगा। आप पता कर लीजिए गांव में जाकर कितने गरीब लोगों को इसका फायदा मिला, नहीं मिला, नहीं मिला है। आज इनके पास केवल मुद्दा है मंदिर मस्जिद मुसलमान मंगल सूत्र, इसके अलावा कुछ है नहीं बताने को। आज यही रटा रटाया एक बयान आता है, अगर यही 5 चीजें हटा दी जाए तो इनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। लेकिन मंदिर भी तो बनाना जरूरी था जो है, बिल्कुल बनाना जरूरी था, लेकिन मंदिर बनाने में इन्हीं का श्रेय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का श्रेय है, उसकी बात कोई करता नहीं है। इसके पहले भी तो पार्टियां जीतती थी हारती थी, उसके पहले भी सरकार चलती थी, तब क्यों नहीं बना? मैं नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आती, इसको अपने ऊपर क्रेडिट लेने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ मंदिर जब बना, मंदिर का इन्होंने शिलान्यास कर उसका उद्घाटन कराया, उद्घाटन में इनके पास ट्रेनें स्पेशल चलाई गई, जहाजें चलाई गई, लेकिन उसी कोविड के टाइम में लोग सड़कों पर पैदल चल चल के मर रहे थे, तब ये कहाँ थे? क्यों कोविड में नहीं, तो कहा कि हमने घर घर तक पहुंचाया है, राशन पहुंचाया है, आदमियों को पहुंचाया घर घर, पैदल चल चल के मर रहे थे, उनके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी। अचानक जो है वो क्या कहते हैं लॉकडाउन लगा दिया गया अचानक बिना इन्फॉर्मेशन के किसी को। जैसे आपने कहा कि जो है विकास का, जैसे अगर आपने विकास 2014 में अगर आपने कहा कि हमने विकास किया, हर जनता के बीच में हम बने रहे, तो 2014 में आपको हार का सामना करना पड़ा, 2017 में हार का सामना करना पड़ा, तो फिर इस बार आप कैसे दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी? मैं बता रहा हूँ देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, चूंकि धर्म के रास्ते हिंदू मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम करके जो यहाँ का रहने वाला भोला भाला आदमी है, भोला भाला भोली भाली जनता है, उसको ये इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। बाकी अगर हम असल मुद्दे की बात करें तो असल मुद्दा हम लेके जा रहे हैं, हमारे अलावा कोई पार्टी। कौन सा मुद्दा बताइए? मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का सुरक्षा का। आज इस देश में प्रतिदिन 86 बलात्कार हो रहे हैं, कोई मंत्री कोई नेता कोई विधायक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इस पर बोल नहीं रहे। सुरक्षा की बात करें तो माफिया तो गायब कर दी है ना उत्तर प्रदेश से, 86 बलात्कार कहाँ से हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रतिदिन सरकार उसकी जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार है, सुरक्षा कहीं गई कहाँ? अभी यही हमारे जो क्या कहते हैं गृह मंत्री थे, कहते थे गहने लाद करके एक लड़की जब सड़क पर निकलती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सामने से आप यहाँ का क्या कहते हैं BHU का देख लिए घटना, एक लड़की को उन्हीं के जो है IT सेल के लोगों ने किडनैप कर लिया, उसके साथ क्या क्या हुआ बताना ही नहीं है आपको, कितनी सुरक्षा है बताइए। जैसे अगर आप यहाँ पे सुल्तानपुर में अगर जीत जाते हैं तो विकास का मुद्दा क्या कह रहेगा? दो मुद्दे बताइए। विकास का मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि शिक्षा एक तरह की होगी, चाहे वो कॉन्वेंट की हो प्राइमरी की, जो भी हमारी शिक्षा बेसिक है, उस शिक्षा को हम एक तरह पे लाएंगे। और दूसरी है कि जो हमारे नेता है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कंपलसरी होगा, ये मैं कंपलसरी कर दूंगा। ये तो सरकार पहले से भी लाई है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सरकार पहले भी कह रही थी। अध्यापक पढ़ रहे हैं, जितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन ऐसा हो गया ना उस दिन हमारे प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं अगर हम जीतेंगे यहाँ सुल्तानपुर से हम इसको जरूर लागू करेंगे। जरूर लागू करेंगे, इस पर हम पूरी ताकत लगाएंगे। और दूसरा मुद्दा आपने क्या बताया? पहला तो बताया, दूसरा मुद्दा ये है हमारा जो प्रायोरिटी के आधार पर जो हमारे यहाँ रोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उनको उनके स्कूल में उनकी योग्यता के अनुरूप जो विभागों में नौकरियां होंगी उनके स्कूल में ही पहुंचा दी जाएगी कि आप अपना ये वांट भरिए और नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये दो मुद्दा। हाँ जी, जैसे ये बताइए जैसे अगर हम जैसे जनता के बीच हम जाते हैं न्यूज कवर करने के लिए जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो बड़ा मजाक है भाई, राम सबको लाए हैं, राम भगवान हैं, पूरी दुनिया के सभी जीव जंतुओं को लाए हैं, उनको लाने वाला कौन हो सकता है? तो सबसे बड़ा मजाक है, और भगवान भगवान का मजाक है यार, ऐसा तो ऐसा सुनना बुरा है, ऐसा कहना बुरा है। लेकिन जनता तो ये कहती है। जनता नहीं कहती है, उनके चमचे कहते हैं इस बात को, बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी के चमचे कहते हैं इस बात को, राम को कौन लाएगा? राम तो भगवान है, तो राम को कौन लाएगा? और राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे? राम इनसे कॉलोनी मांग रहे थे क्या? राम ने कॉलोनी का फॉर्म भरा था कि हमको कॉलोनी दे दीजिए, वो सबको दुनिया में उतारे हैं तो वो मालिक है, वो उनको ये क्या? देखिए तंबू में रहते थे आज 500 साल से, तब तो कोई नहीं जवाब दिया। तंबू में नहीं रहते थे, हमारे आपके मन में रहते थे, हर कोई इबादत पूजा उसी आधार पर करता था, आज कोई नई चीज नहीं हो गई, केवल उसको पॉलिटिकली उसको मार्केटिंग किया जा रहा है, कुछ है नहीं वो। अच्छा, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि जो है अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को अगस्त तक 30 लाख रोजगार देंगे। जी जी, तो 30 लाख रोजगार पाने वाला हर जनता
कांग्रेस की तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा तो आप ऊपर कैसे? मैं 30 लाख रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति को, चूंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप हमारे संविधान में व्यवस्था है उसके आधार पर उसको रोजगार मिलेगा, हम प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। 30 लाख फाउंडेशन नहीं है हमारा, वो अगर ऐसा बयान है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, और जैसे जो मौजूदा सांसद मेनका गांधी है, विकास उन्होंने किया, लोग बता रहे कि हमने विकास किया, तो उनमें कैसे आप देखते हैं कि हम इनसे, हमारा प्रतिद्वंदी है, सांसद है, उनसे कैसे आप लड़ाई अब देख रहे हैं? आप लड़ाई हमारी है जनता के बीच उतर करके, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को जाके हम असली चीज बता रहे हैं जी। बात अलग है, बहुत तरीके हैं जीतने के, मशीनें भी हैं, बहुत सारी चीजों का आपने सुना होगा, बहुत तरीके से लोगों को लोग खरीद लेते हैं, ये बात होती है, लेकिन सबको नहीं खरीद पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान हमारा एक न एक दिन कमाल करके जरूर दिखाएगा, उसके लिए हम संघर्ष रहा। अच्छा, मैंने अभी कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो हमने उनसे बीच में बात किया कि आपके बीच में दो तो प्रत्याशी हैं जो एक इंडिया गठबंधन से और एक बीजेपी से, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुछ उनका अपना पार्टी है जी। तो मैंने जब आपका नाम लिया तो उन्होंने कहा कि हम उनको तो जानते नहीं है, ना तो हमारे कभी दरवाजे पे आए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम जीत कर? देखिए, इंडिविजुअली हो सकता है, चूंकि वो भी लड़ रहे हैं तो क्यों कहेंगे कि हम उनको जानते हैं, उनके साथ हैं, सीधी सी बात है, तो साधारण सी बात है, हर कोई डिनाई करेगा। लेकिन जो जनता के बीच अगर आप जाकर के जानना चाहेंगे तो बिल्कुल हम जनता के बीच बने हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। अच्छा, एक भी दिन हम रेस्ट नहीं किए हैं और मतलब जितना टाइम होता है चुनाव का 8 से 8 हम जनता के बीच हैं। बीएसपी से प्रत्याशी उदय राज वर्मा जी हैं, वो भी कहते हैं कि लोकल प्रत्याशी हम हैं जी। क्योंकि अगर बात करें तो जो कांग्रेस से हैं और जो ये इंडिया गठबंधन से हैं वो भी बाहर से हैं, और मेनका गांधी वो भी तो जीत कर, अगर जीत जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगी, हार जाएंगे तब भी दिल्ली चले जाएंगी, लेकिन हम लोकल हैं, जनता हमको सपोर्ट करेगी, तो आप कैसे कहते हैं? देखिए, मैं बता दूं जी, खास करके संगठन की अगर हम बात करें तो बीएसपी खुद ही डरी हुई है, वो क्लियर ही नहीं कर पा रही कि हम किधर जाएं, तो उस डर के कारण जनता गुमराह है, उनके साथ जनता है नहीं, जहां तक मेरा मानना, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन उदय राज वर्मा तो दावा कर रहे हैं, दावा हमारे साथ है। दावा कर रहे हैं, लेकिन जो समीकरण सामने आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी लंबे समय से इस फील्ड में हूं, तो देख पा रहा हूं, चूंकि जब उनका जो सेंटर है, जो कैबिनेट है, वो भी वही जब क्लियर नहीं कर पा रहा है तो जनता कहां जाएगी, दिग्भ्रमित होकर कहां जाएगी उनके साथ। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है, जैसे अगर प्रत्याशी कोई भी हो, ईमानदारी का हर कोई लोगो लगाता है कि हम ईमानदार हैं, और आप जैसे जनता के बीच जाते होंगे, कुछ लोग आपको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको कैसे लोग कहेंगे कि ये जीत जाएंगे तो विकास करेंगे, ईमानदार हैं, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसी बेस में हम भी जा रहे हैं जी, कोई अलग से तो उनको हम विश्वास दिला नहीं पाएंगे, लेकिन उनको हम ये बात बता रहे हैं कि हम किसी बड़े, ऐसे कोई मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ नहीं, पूंजीपतियों का हाथ नहीं, अडानी अंबानी का हाथ नहीं है, हम बेसिकली आम लोगों के बीच से निकल करके उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, ये उनको बताने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं बात करने और हमने जी। हमने ये भी बता दे, हमने ऐसे बेसिक काम भी तमाम कराए हैं जिसको आप पता कर सकते हैं, जैसे माधोपुर छतौना में एक गरीब आदमी का घर गिर गया था, वहां के तमाम लोगों ने, सिक्योरिटी वगैरह ने उसको घर देने के लिए मतलब आनाकानी की, घुमाया फिराया, लेकिन उसके लिए मैंने संघर्ष किया, 10 बजे रात को मैंने ऑफिस खुलवा करके उसका घर, घर के लिए जो पैसा है सैंक्शन करवाया विकास भवन से, और ऐसे तमाम काम हमने करवाए हैं, तो इसलिए हमें लगता है जो हमारे निचले स्तर के लोग हैं वो हमारे साथ। जैसे अगर आप इस बार जीतेंगे तो डिफरेंस कितना होगा वोटों का? वोटों का डिफरेंस तो देखिए, अब ये हम इसको तो फाइनली कुछ नहीं कह सकते कि इतना डिफरेंस होगा, फिर भी ये हम समझ रहे हैं अगर हमारे पास आएगा तो लगभग 40% वोट मेरी तरफ आएगा। अच्छा जी, तो लड़ाई किससे मानते हैं, बीजेपी से या सपा या बसपा? लड़ाई हम जो है बेसिकली बीजेपी से मानते हैं, बीजेपी से जी, सपा बसपा से नहीं, कुछ लड़ाई में नहीं है, जो भी लड़ाई होगी आपकी भाजपा से होगी। हाँ, आप भी ये मानते हैं कि मोदी की गारंटी चलेगी इस बार सुल्तानपुर में? गारंटी, गारंटी का नाम जुमला है उनका, तो जुमला है, गारंटी इज इक्वल टू जुमला। अच्छा, ओनली मतलब आप भी ये दावा लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 15 लाख आ गया होगा खाते में ना आपके, आ गया होगा आपके खाते में? आया नहीं, आया भाई, वही पूछ रहे हैं, आपके खाते में आया 15 लाख? नहीं नहीं, आपके खाते में आया 15 लाख? नहीं, किसी के नहीं आया। और वहाँ दरभंगा में एम्स बन गया, आपने पता लगा लिया होगा क्योंकि आप पत्रकार महोदय हैं, तो हो सकता है बन गया होगा ना, आप बताइए। वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा दरभंगा का एम्स, वहाँ के लोग टार्च लेके ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं, बना नहीं है, नहीं मिला भाई, वहाँ गड्ढे हैं, तालाब है, झूठ बोल रही बीजेपी 100%। लेकिन जनता तो कह रही है कि विकास काम भाई, हमको यही बता दीजिए कि वो केतली कहाँ है, वो कटोरा कहाँ है, बस इतना बता दीजिए। केतली कटोरा का हम बात नहीं समझ पाए, केतली का मतलब जिससे वो चाय बेचते थे, और कटोरा वो जिससे 35 साल भीख मांगते थे, यही हमको बता दीजिए, वो है कहाँ, कोई दिखा दे बस।
झूठ बोलते हैं वो भाई। हम और क्या कहें इसके बाद, इसका उत्तर तो आपके पास खुद ही है। बात करने के लिए और कटोरा हम ढूंढ रहे हैं, कुछ भी मिल जाए देख लें हम भी। इस बार सुल्तानपुर में आप मानते हैं कि इस बार लड़ाई जो होगी बीजेपी से होगी? फाइनली फाइनली नहीं, फाइनली हाँ फाइनली। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ आज बने थे जो है यहाँ के MBCI के प्रत्याशी जो है पार्टी से, डॉक्टर शिवशंकर इंडियन जो है। इन्होंने दावा किया कि अगर इस बार हम सुल्तानपुर में अगर हम जीतते हैं तो हमने विकास का, सबसे पहले हमारा जो विकास का काम होगा वो होगा रोजगार पे, शिक्षा पे इन्होंने सबसे पहले किया, और बाकी तो सड़क की इन्होंने बात जो किया कि सड़क सरकार बनाती है लेकिन उससे विकास नहीं होता है। और एक आरोप इन्होंने सरकार पे और लगाया कि जो सरकार 5 किलो का राशन देती है, सरकार 5 किलो राशन ना दे बल्कि 5 किलो राशन की जगह रोजगार की बात करें, क्योंकि 5 किलो राशन से कोई काम नहीं होता और घर का मतलब जो घर चलता है उससे नहीं चलता है। इन्होंने एक आरोप लगाया। फिलहाल वो तो क्या होगा, समय वक्त बताएगा। जब 4 जून को EVM खुलेगा, कौन किस पे कितना किस पे भारी है वो समय बताएगा। जब 4 जून को यहाँ से EVM खुलेगा, फिलहाल हर पार्टियां तो ये दावा करती हैं कि हम इतने वोट से जीत रहे हैं, हम इतना वोट पा रहे हैं, हमारी लड़ाई इनसे है और जनता हमको सपोर्ट कर रही है। वो जनता का आशीर्वाद सपोर्ट वो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे आने वाले 25 मई को यहाँ पे मतदान होने वाला है, कल यहाँ पे प्रचार का अंतिम दिन होगा, शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और महज 2 दिन का समय और है प्रत्याशियों के पास जनता के बीच जाने का। 25 मई को यहाँ पे 6ठे चरण का मतदान होने वाला है और 4 जून को यहाँ पर जब EVM खुलेगा तब पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी है। तो देखते रहिए हमारा अपना सुल्तानपुर चैनल। इसी तरह से चुनावी अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। धन्यवाद। मैं राज ठाकुर, आपका अपना सुल्तानपुर।